बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ एक नई रेसिपी के साथ, जो कि मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मलाई बोटी है, चिकन मलाई बोटी है, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। दो हरी मिर्चें हैं, धनिया है, लेमन है, लहसुन अदरक है और काजू है। ये आप देख सकते हैं कि तीन जवे लहसुन के अदरक के टुकड़े हैं, 10-12 जो है वो काजू है, कच्चे वाले भुने हुए नहीं, दो हरी मिर्चें हैं और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये गरम मसाला है और काली मिर्चें हैं और वाइट पेपर है, दक्कनी मिर्च जिसको गलते हैं, और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, मलाई है और दही है। इन सब चीज़ों को हमने चिकन के अंदर मिला के मैरिनेट कर लेना है। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले आपने एक बॉल लेना है, जिसमें अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाए। उसमें हमने चिकन ऐड करना है। वैसे तो ये बोनलेस चिकन में बनती है, लेकिन मेरे पास बोनलेस चिकन नहीं था, बोन्स के साथ था, तो मैं उसी के साथ बना रही हूँ। आप के पास बोनलेस हो तो आप उससे बनाइएगा। अब ये मैंने सब चीज़ों का पेस्ट बना लिया है। पेस्ट में मैंने धनिया लिया है, हरी मिर्चें, काजू और लहसुन अदरक का लहसुन अदरक जो है अलग से पेस्ट करके डालने से अच्छा इसी के अंदर पेस्ट बना लेते हैं। इन सब चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब स्पाइसेस शामिल किए हैं और नींबू डालूंगी और दही डालूंगी, ठीक है। क्रीम जो है वो अभी ऐड नहीं करूंगी। अगर आप इसको स्पाइसेस की आपको सही समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता देती हूँ। एक टेबल स्पून जो है वो आपने काली मिर्चों का पाउडर लेना है, 1 टेबल स्पून वाइट पेपर लेना है, दक्कनी मिर्च जिसको कहते हैं, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर लेना है, 1/2 टीस्पून आपने गरम मसाला पाउडर लेना है और नमक हसबे टेस्ट लेना है, 2 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। ये सब चीज़ें आपने बीच में ऐड कर लेनी है। और नींबू मेरे पास जूसी नहीं थे, बड़े साइज़ का एक नींबू को जूसी हो वही डालने, मैंने 1.5 डाला, ठीक है जी। नींबू के बीच ना डलें, अगर डल चुके हैं तो निकाल लें। उसके बाद इसको ये देखें, दही मैंने 2 टेबल स्पून लिया है, पानी नहीं है दही के अंदर, क्योंकि पानी तो ऑलरेडी उसके अंदर वो ग्राइंड करने के अंदर मिक्स हो चुका था, और पानी ऐड नहीं करना। अब बोटियों को अच्छी तरह मिक्स करके और बोटियों को डिप करके हम बीच में रख देंगे मसाले के अंदर मैरिनेट करके, ठीक है जी। अब कम से कम इसको 2 से 2.5 घंटे रखने हैं। अब आपकी मर्जी के ऊपर है, आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 6 घंटे भी रख सकते हैं। जितने आप ज़्यादा रखेंगे इतने अच्छा बेस्ट रिजल्ट होगा, वो आपके टाइम के ऊपर है। आपने जब इसको बनाना हो आप 1 दिन पहले इसकी प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। अब ये जब मैंने 2 से 2.5 घंटे रखा है, उसके बाद मैं इसको पैन में डाल रही हूँ। पैन में मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने ऑयल डाला है। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप कोई से ही बटर का ले सकते हैं, घर का बना हुआ ले लेंगे तो बेस्ट एंड बेस्ट है। और ये घर का बना हुआ नहीं है, ये बाहर का है, ब्लू ब्रांड है, कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। अच्छा जी, बटर के पिघलने से पहले आपने इसके अंदर बोटियाँ ऐड कर देनी हैं, क्योंकि बटर अगर मेल्ट हो गया तो जलने का ख़तरा है, ठीक है, क्योंकि बटर फौरन से जल जाता है और साथ में बोटियों को भी जला देगा। बाकी का जो इसमें मसाला जो बचा हुआ होगा वो भी आपने बोटियों के बाद ऐड इसी के अंदर कर लेना है, ताकि उसी में ही हमारी जो चिकन है वो टेंडर हो जाएगी, कुक हो जाएगी, ठीक है जी। अब इस करना ये है कि इसको 2 से 3 मिनट के अपने फुल आंच में इसको एक साइड से पकाना है। जब ये एक साइड से पक जाएगा, देन आपने 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच में ढक के इसको फुल पकने के लिए रख देना है। अब ये देखें, 5 मिनट हो चुके हैं, चिकन का हमारा लुक कुछ इस तरह का आया है, ग्रेवी टाइप का। आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह जो है वो ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है इसके पानी को ना, इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है। भुनाई ऐसी करनी है कि ऐसी भी ना करें कि आप बोटियाँ बिल्कुल तोड़ के रख दें, अच्छी तरह इसकी भुनाई कर लें। देखिए पानी तकरीबन हमारा खुश्क हो चुका है। अब इसकी बोटियाँ हम निकाल लेंगे। बोटियों को, एक एक बोटी को हम, मैं चिमटे की मदद से इसको आग के ऊपर रखूंगी, और जो है ना इसकी, इसका कलर जो है ये जैसे कलर आ रहा है, ये कलर जो होता है ये बहुत मज़े का, इसमें फ्लेवर आता है, इसकी खुशबू बहुत मज़े की होती है। अगर आपके पास ग्रिल है तो आप ग्रिल रख के एक साथ सारी बोटियों को कर सकते हैं। मेरे पास ग्रिल नहीं थी, इसलिए मैंने एक एक बोटी करना स्टार्ट की है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक एक करके बोटी इसके अंदर की है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको कोयले का स्मोक भी दे सकते हैं, जिस वो जो पैन में चिकन तैयार हुई थी वहीं पर आप इसको कोयले का स्मोक दे सकते हैं।
ठीक है जी, ये दोनों मेथड हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी इसमें ट्राई करें। अब मैंने क्या किया है कि उसी पैन के अंदर जो ऑयल बचा था वही ऑयल है और कोई ऐड नहीं किया, उसके बीच में मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है, ठीक है जी। अब मैंने इसके अंदर क्या किया, जो क्रीम मैंने यूज़ नहीं की थी वो मैंने क्रीम इसके अंदर ऐड की है, ये हाफ पैकेट क्रीम है, आप चाहें तो फुल पैकेट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी के ऊपर है। जितनी आप ज़्यादा डालेंगे, मतलब एक पैकेट डालेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट होगा, मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक बनाई है। तो आप जब क्रीम इसमें ऐड कर लेंगे, इसको अच्छी तरह मक्खन के साथ मिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपने 1 चम्मच इसमें कुटी हुई काली मिर्च और ऐड करनी है। और ज़्यादा अगर आप चटपटा और मज़े का इसको बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून आप इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी के ऊपर, अपने टेस्ट के ऊपर है। मैं इसके अंदर चाट मसाला जो है वो नहीं डालूंगी क्योंकि हम लोग ज़्यादा चटपटा पसंद नहीं करते, जो पसंद करता है वो डाल सकता है, अपने टेस्ट के ऊपर है। उसके बाद जैसे ये कुक हो जाएगी, हल्की सी बिल्कुल पकना हो जाएगी शुरू, हम इसके अंदर बोटियां ऐड कर देंगे। बोटियां ऐड करने के, मिक्स करने के बाद हमने इसकी आंच जो है वो बिल्कुल बंद कर देनी है, बोटियां खुद इस क्रीम को ऑब्जर्व करेंगी और इसको जूसी, बोटियां जो होती है ना इससे मलाई का लुक बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है, ये जूसी हो जाती है, ठीक है जी। अब इसमें बोटियां डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए बंद करके ढक के रख दूंगी, बोटियां जब इसको बिल्कुल मलाई को ऑब्जर्व कर लेंगी तो फिर आप इसको डिश आउट करके इसको एंजॉय कर सकते हैं, ये बहुत मज़े की बनेगी। को ये देखें, ये इसका फाइनल लुक है, ये तैयार हो चुकी हैं। और ये पिज़्ज़ा जो है बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से नहीं खाते, बच्चों के लिए हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया था, ये मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसको एंजॉय किया, आप भी बनाएं इसको, खाएं, बहुत मज़े की है। और अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर इस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।